श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी मंत्र। लक्ष्मी जी को हिंदू धर्म में सुख समृद्धि धन वैभव तथा ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। देवी लक्ष्मी को कई मंत्रों से पूजा की जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी मंत्र वैभव लक्ष्मी मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। मैं आपको मंत्र बता देता हूं और मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसमें कभी भी कभी क्या होता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन करेक्ट सुनाई नहीं देता है, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा तो आप मंत्रों का करेक्ट उच्चारण कर पाएंगे। तो मंत्र है, या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुद्राम्बरा हरिसिखी या श्री मनोलहादिनी, या रत्नाकर मंथना तप प्रकटिता वैष्णो सेविया गेहिनी, या माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। ये पूरा मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। इस मंत्र की महिमा बहुत है और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि कैसे आपको करना चाहिए वैभव मंत्र का प्रयोग। वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप विशेष रूप से शुक्रवार और दीपावली के दिन करना चाहिए। इस दिन जातक को सुबह जल्दी उठकर घर के सभी कार्य करके स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद उपवास रखते हुए श्री लक्ष्मी यंत्र या मां लक्ष्मी की तस्वीर को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की धूप फूल दीप गंध अक्षत रोली आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद यथाशक्ति अनुसार श्री वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप शुक्रवार के अतिरिक्त अन्य दिन भी बिना नियम के किया जा सकता है। अभी श्री वैभव लक्ष्मी के मंत्र का लाभ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मान्यता है कि श्री वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से जातक के घर में कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। श्री लक्ष्मी जी की कृपा से उसका जीवन सुख शांति धन वैभव से हमेशा भरा रहता है। लक्ष्मी जी की पूजा में प्रयोग होने वाले अन्य मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, ये सबसे कारगर मंत्र है, आप इसको कीजिए, आपके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।